भाई किसी को कॉल आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह यार, अपनी सुना तू। बेटे यार, 50,000 है मेरे पास। अच्छा, ओहो यार, ये तो छोटा सा मसला है अबे यार, भी मसला ही नहीं यार ये तो। तो चल, कोई चक्कर ही नहीं है, तेरे लिए पूरी वीडियो बना देते हैं, ठीक है आज तो। बस बस डन हो गया, तू फिक्र ही ना कर, तू बस कल तक वेट कर, ठीक है। कल आ रही है भाई की वीडियो पूरी डेडिकेटेड, ठीक है, अंडर 50,000 पे। तो तेरा काम मैं कर देता हूँ सॉल्व, और कुछ बस जी। ट्रीट की तूने बात कर दी तो भाई मैं कहता हूँ कि अब भी काम हो गया तेरा। ट्रीट तुझे पता ही है फिर भाई, ट्रीट तो हम छोड़ते ही नहीं है। बट डन, बस तू फोन बंद कर, तू बस फोन बंद कर, तेरा काम हो गया, समझ। ओके ओके। तो यार, अगर आप भी कोई ऐसा बंदा हो जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे, मतलब कि आपका कोई छोटा भाई है जिसको आपने लैपटॉप लेके देना है, ठीक है, अंडर 50,000। भाई टेंशन किस बात की, मैं किस लिए हूँ, मैं आपको बताऊंगा ना। तो आज की वीडियो पर देख लो पूरी, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, माय नेम इज शाहज़ेब एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको उतार लेते हैं ना, बहुत मैंने शोखियाँ मार ली, ठीक है। तो यार, आज की वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताऊँगा टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप अंडर द रेंज ऑफ 50,000। तो यार, अगर आप भी कोई ऐसा बंदा है जिसका बजट 50,000 के राउंड अबाउट है, तो भाई टेंशन नॉट, आज की इस वीडियो में आपको सारी डिटेल बताऊंगा बेस्ट लैपटॉप की, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए मैंने यार काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है, मैंने काफ़ी क्रेजी किस्म के लैपटॉप फिगर आउट किए हैं, ठीक है, जो कि अंडर 50,000 के बजट के अंदर लाइक करते हैं। और यार, इस वीडियो के लिए ना मैंने एक क्राइटेरिया सेट किया है कि यार जो आज की इस वीडियो में ना मैं आपको सारे लैपटॉप बताऊँगा ना, वो मस्ट मेरे क्राइटेरिया पे उतरने चाहिए, ठीक है। अगर वो उतरेगा नहीं तो मैं उसको अपनी लिस्ट से उतार डालूंगा, तो टेंशन नहीं आपने लेनी। तो क्राइटेरिया ये है कि यार मिनिमम ना कोर i5 6th जनरेशन होनी चाहिए, ठीक है, और डुअल कोर मस्ट है, 3 MB कैश मेमोरी L3 मस्ट है, उसके बाद फुल HD रेजोल्यूशन 1080p की मस्ट है, उसके बाद 8 GB ऑफ रैम विद 500 GB हार्ड डिस्क ड्राइव मस्ट है, या फिर 8 GB रैम विद 256 GB SSD मस्ट है। तो डिपेंड करता है, दोनों ओके हैं, ठीक है। या फिर एक और जो क्राइटेरिया वो ये है कि स्टीरियो स्पीकर्स होना मस्ट है। आई थिंक सो कि एक हद कोई लैपटॉप होगा जिसमें स्टीरियो स्पीकर्स नहीं होंगे, बाकी जितने भी मैंने फिगर आउट किए ना आज की वीडियो के लिए, उन सब में स्टीरियो स्पीकर्स अवेलेबल है। तो ये सारा क्राइटेरिया, तो ये आपने माइंड में रख लेना है। ये जो क्राइटेरिया मैंने सेट किया ना, ठीक है, ये मिनिमम सारी स्पेक्स हैं, तो इससे कम नहीं होंगी, इससे अबव हो सकती हैं, तो वो आप वीडियो एंड तक देख लेना, ठीक है। उसका आइडिया आपको हो जाएगा कि जो अबव मैं बताऊँगा वो क्या स्पेक्स हैं। तो वीडियो आज की आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगी और हेल्पफुल भी होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हो, इस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हो, ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जो रेड कलर का बटन होगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि इस टाइप की वीडियो जब भी मैं अपलोड करता हूँ ना अपने चैनल पर, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिल जाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यार, हम लोग स्टार्ट करते हैं रिवर्स ऑर्डर में, तो मतलब के पहले आपको मैं 5th नंबर का बताऊंगा लैपटॉप, फिर 4, फिर उसके बाद 3, रिस्पेक्टिवली ऐसे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो यार, जो हमारी लिस्ट में नंबर 5th पे लैपटॉप आता है ना, वो है जी लिनोवो की तरफ से, विच नेम्ड एज लिनोवो थिंक पैड T460। तो आपको पता ही होगा यार, जो लिनोवो की थिंक पैड सीरीज़ है ना, ये बेसिकली बिज़नेस ओरिएंटेड सीरीज़ होती है। लाइक अगर आप कोई ऑनलाइन बिज़नेस वगैरह करते हैं या फिर ऑनलाइन वर्क वगैरह करते हैं, तो उस काम के लिए ना ये जो सीरीज़ होती है थिंक पैड, ये काफ़ी अच्छी प्रूव होती है। तो डिटेल बात कर लेते हैं स्पेक्स की। तो यहाँ पर ना बेसिकली आपको कोर i5 प्रोसेसर विद 6th जनरेशन देखने को मिल जाएगी, और इसका जो बेस क्लॉक रेट होगा ना, वो होगा ये 2.4 GHz का, और अप टू टर्बो बूस्ट ना 3.0 GHz तक जाता है, डिपेंडिंग अपॉन योर टास्क, कितना हैवी टास्क परफॉर्म कर रहे, उसी के अकॉर्डिंग ना इसका जो होगा ना क्लॉक रेट वो वेरी कर रहा होगा। 3 MB कैश मेमोरी है, उसके बाद डुअल कोर है,
8 GB ऑफ रैम है, उसके बाद यहाँ पर आपको 500 GB की हार्ड डिस्क ड्राइव देखने को मिल जाएगी। तो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे, आप SSD भी लगवा सकते हैं 256 GB की। और यहाँ पर ना आपको फुल HD रेजोल्यूशन का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, एंटी ग्लेयर LED डिस्प्ले होगा, 1080p रेजोल्यूशन पे बेस्ड होगा। और अगर आप कोई मूवीज़ वगैरह ज़्यादा देखते हैं तो फिर भी ये लैपटॉप Lenovo का आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और बाकी यार यहाँ पर आपको स्टीरियो स्पीकर्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो यार ओवरऑल लैपटॉप काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पर कोई भी डेडिकेटेड कार्ड नहीं अवेलेबल, यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली इंटीग्रेटेड ही कार्ड आता है, जो कि बेसिकली इंटेल का अपना इंटेल HD ग्राफिक 520 के नाम से जो आता है, जो कि नॉर्मल स्टैंडर्ड होता है इस टाइप के लैपटॉप में आ रहा होता है। तो गेमिंग वगैरह यार नॉर्मल बिल्कुल लाइट गेमिंग आप कर सकते हो, बिल्कुल लाइट मतलब कि बहुत ही नॉर्मल, हाई एंड की आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करना, क्योंकि यार ये लैपटॉप होते हैं ये ऑनलाइन वर्क वगैरह के लिए, ठीक इस टाइप के कामों के लिए होते हैं, कोई हाई एंड कामों के लिए नहीं होते। तो प्राइस टैग ने बात की इसकी, ठीक है, प्राइस जो इसका होगा ना वो अराउंड 45,000 टू 48,000 के राउंड अबाउट वेरी करेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर कंट्री और सिटी, उसी अकॉर्डिंग ना थोड़ी बहुत जो प्राइस है ना वो फ्लक्चुएट कर रही होगी, तो वो आप ना अपने एरिया के अकॉर्डिंग प्राइस चेकआउट कर सकते हैं मार्केट जाके। सो या ये लैपटॉप भी आप अंडर 50,000 कंसीडर कर सकते हैं। तो यार जो हमारी लिस्ट में नंबर 4th पे लैपटॉप आता है वो है जी डेल की तरफ से, विच नेम्ड एज डेल लैटीट्यूड E7470। तो यार ये लैपटॉप काफ़ी पॉपुलर लैपटॉप है और मज़े का काफ़ी लैपटॉप है यार, ये भी i5 है, ठीक है, 6th generation है, और सेम 2.4 GHz टर्बो बूस्ट, 3.0 GHz तक इसका मैक्सिमम क्लॉक रेट है, जो कि डिपेंडिंग अपॉन टास्क वेरी कर सकता है। प्राइस टैग की बात कर लेते हैं तो यार ये लैपटॉप ना आपको पाकिस्तानी मार्केट में ना ऑलमोस्ट ना अंडर 50,000 तो मिल ही जाएगा। तो इसके जो एग्जैक्ट प्राइस टैग है ना वो तकरीबन ना 45,000 से 49,000-48,000 के राउंड अबाउट वेरी कर सकता है। और बाकी डिटेल अगर हम लोग स्पेक्स की बात करें ना, तो यार इस लैपटॉप में आपको 8 GB ऑफ रैम देखने को मिल जाएगी, 256 GB की SSD है, M.2 है, तो रीडर राइट की स्पीड जो होगी ना वो काफ़ी फास्ट होगी कंपैरेटिवली हार्ड डिस्क ड्राइव और नॉर्मल SSD, तो उस हिसाब से काफ़ी प्लस पॉइंट है आपके लिए जो इस लैपटॉप को बाय करने के बारे में सोच रहे हैं, स्पेशली उनके लिए। और यार यहाँ पर ना आपको फुल HD रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगी, 1080p का डिस्प्ले होगा, 3 MB कैशे मेमोरी, डुअल कोर होंगे, और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर ना आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर की भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। बस यार एक चीज़ है, ये लैपटॉप मेरे हिसाब से ना थोड़ा बल्कि होगा, इतना भी ज़्यादा नहीं होगा भैया, एक नॉर्मल सा होगा, तो मैंने कहा आपको बता दो, बाकी इसमें पोर्ट्स भी ऑलमोस्ट सारी अवेलेबल होंगी जो नॉर्मल आपके यूज़ में आ रही होंगी। तो यार ओवरऑल लैपटॉप अच्छा है, आप इस प्राइस टैग में ना इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। फिर उसी कॉल है, हाँ भाई, ओ भाई बोला है ना बना रहा हूँ तेरे लिए वीडियो, बना रहा हूँ, आ रही है वीडियो कल, थोड़ा तो वेट कर ले। हाँ पता है तेरे भाई का छोटे का, सब्र कर ले, आ रही है वीडियो, क्यों टेंशन ले रहा है, हाँ बंद कर, अब वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो एनीवेज तो यार हमारी लिस्ट में जो नंबर 3rd पे लैपटॉप आता है ना वो है जी बेसिकली HP की तरफ से, विच नेम्ड है HP ProBook 640G3। और आपको ना मैं एक बोनस भी लैपटॉप बता देता हूँ, वो है बेसिकली HP का HP ProBook 450G2। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं 640G3 की, तो यार ये बेसिकली ना इसका जो प्रोसेसर होगा ना वो है जी i5 6th generation, ठीक है, तो इसमें 7th generation वाला वेरियंट आता है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। प्राइस टैग ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, तो डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट आप i7 7th generation वाला भी बाई कर सकते हैं, इतना कोई डिफरेंस नहीं होगा, आई थिंक कोई 2-3-4 हज़ार का डिफरेंस होगा, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। प्राइस टैग की बात कर लेते हैं, तो इस लैपटॉप की जो प्राइस है ना वो अराउंड 48,000 से 50-51 तक वेरी करेगी, ठीक है, बाकी जो i7 वाला वेरियंट होगा ना उसकी आई थिंक 53-54 तक जाती है, वो आप मार्केट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर ना आपको जो प्रोसेसर का क्लॉक रेट होगा ना वो 3.5 GHz तक मैक्सिमम देखने को मिल जाएगा, विच इज़ वेरी गुड। 8 GB रैम देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर आपको 256 GB की SSD M.2 वाली होगी, ठीक है, स्पीड काफ़ी अच्छी होगी, और फुल HD रेजोल्यूशन का डिस्प्ले 1080p का होगा, ठीक है, 14 इंचेस का डिस्प्ले होगा, एंटी ग्लेयर LED डिस्प्ले, और डुअल कोर, 3 MB कैशे मेमोरी होगी, और बाकी यहाँ पर ना आपको स्टीरियो स्पीकर्स भी आई थिंक सो के अवेलेबल होंगे,
आई एम नॉट प्रीटी श्योर, आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी फिंगर स्कैनर की भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। और हाँ, ये थोड़ा लैपटॉप ना मे भी बल्कि होगा, क्योंकि मैंने प्रो बुक सीरीज ना थोड़ी बहुत खुद भी यूज़ की हुई है। बाकी ओवरऑल प्रो बुक सीरीज अच्छी है, लेकिन ये कि थोड़ी बहुत बल्कि होती है। और हाँ, एक चीज़ और, ये मैंने थोड़ा सुना है कि यार हीट अप भी होती है, तो ये भी आप माइंड में रख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आप हैवी टास्क परफॉर्म करेंगे वो तो नॉर्मल लैपटॉप भी ऑब्वियसली बात है हीट होता है, तो ये भी होगा थोड़ा बहुत। तो आई डोंट थिंक इतना कोई मेजर इशू है, बट वही आपकी प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, दूसरा जो मैंने आपको लैपटॉप बताया था ना, प्रो बुक 450G2, तो वो बेसिकली ना i5 फिफ्थ जनरेशन में होगा, ठीक है। इसके साथ आपको ना आई थिंक थोड़ी रैम कम देखने को मिलेगी 4GB की, तो वो आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, उसका तो इशू नहीं है। बट ये कि मैंने आपको बोनस में बताया ये लैपटॉप, तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी डिटेल मैंने आपको सारी नहीं बताई, वो आप इंटरनेट से खुद ही चेकआउट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस लैपटॉप में। बाकी आप 640G3 जो मैंने आपको बताया ना, वो चेकआउट कर सकते हैं। दोनों लैपटॉप मज़े के यार। ये कि i7 जो फिफ्थ जनरेशन होगा ना, ये प्रो बुक 450G2, इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होगी, इसीलिए मैंने ना इसको थोड़ा आपको बोनस में रखा है। तो बाकी वही बात है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यार, जो हमारी लिस्ट में सेकंड नंबर पे लैपटॉप आता है ना, वो स्पेसिफिकली उन लोगों को टारगेट कर रहा है जिससे छोटा डिस्प्ले पसंद है, मतलब कितना बड़ा डिस्प्ले लैपटॉप का नहीं पसंद। क्योंकि इस लैपटॉप का जो डिस्प्ले है ना, वो है जी 12.2 इंचेस का। ऑल्दो फुल HD रेजोल्यूशन डिस्प्ले होगा, वो तो टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन ये कि थोड़ा छोटा डिस्प्ले होगा। एनीवेज, जो लैपटॉप का मॉडल है ना, वो है जी डेल लैटिट्यूड E7250। प्राइस टैग को डिस्कस कर लेते हैं, तो यार इस लैपटॉप का जो प्राइस टैग है ना, वो अराउंड 48 to 52 thousand के राउंड अबाउट वेरी कर सकता है। यहाँ पर ना आपको कोर i7 प्रोसेसर विथ फिफ्थ जनरेशन देखने को मिल जाएगी। 2.6 GHz का बेसिक लॉक रेट है, अप टू टर्बो बूस्ट 3.2 GHz तक ये मैक्सिमम वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन ए टास्क। और 4 MB कैशिंग मेमोरी है, कंपेरेटिवली प्रीवियस लैपटॉप थोड़ी ज़्यादा 1 MB ज़्यादा। तो इसका ये फ़ायदा होगा ना, डेटा एक्सेसिंग की जो स्पीड होगी ना, वो आपको कंपेरेटिवली प्रीवियस लैपटॉप थोड़ी अच्छी देखने को मिलेगी। क्योंकि यार जितनी ज़्यादा कैशिंग मेमोरी होगी, उतनी ज़्यादा CPU के जो टास्क है ना, वो क्विकली परफॉर्म होंगे। लाइक अगर आपके लैपटॉप में जो रैम है ना, वो थोड़ी है, तो मेन मेमोरी अगर फुल होगी ना, तो जो CPU के सबसे करीब मेमोरी होती है ना, वो होती है कैशिंग मेमोरी रजिस्टर्स। तो कैशिंग मेमोरी से मेमोरी लेगा CPU, और आपका जो काम है वो काफ़ी क्विकली परफॉर्म कर रहा होगा। तो ये कभी किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे कैशिंग मेमोरी के बारे में। एनीवेज, आपको मैं थोड़ा बहुत बता ही दिया। तो 8GB रैम देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर आपको 256GB की SSD होगी। यहाँ पर आपको कोई भी डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड तो देखने को नहीं मिलेगा, इंटेल का अपने इंटरएचडी ग्राफिक्स वाला जो आता है स्टैंडर्ड, वही देखने को मिलेगा। बाकी ओवरऑल लैपटॉप ये काफ़ी मज़े का है, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। हाँ भाई, अब आ गई बारी जी नंबर फर्स्ट लैपटॉप की। तो ज़रा मैं ग्लासेस वगैरह पहन लूँ, ठीक है। ये तो नंबर फर्स्ट पे जो लैपटॉप आता है ना, वो है जी HP की तरफ से, ठीक है। एक मिनट तो आ रहे थे यार, सही नज़र नहीं आ रहा। तो वो लैपटॉप है जी मेरा अपना पर्सनल लैपटॉप, ठीक है, HP रीडबुक 840G3। बड़ा नामी ग्रामी लैपटॉप है यार, बड़ा लेवल का लैपटॉप है। एनीवेज, डिटेल स्पेक्स की बात कर लेते हैं। कोर i5 प्रोसेसर 6th generation, ठीक है। बेस क्लॉक रेट है इसका 2.4 GHz या 2.5 GHz है, ठीक है। और मैक्सिमम ये 2.8 GHz और 3.0 GHz तक वेरी करता है, ठीक है। 3 MB कैशिंग मेमोरी, डुअल कोर, उसके बाद 8GB रैम, 256GB SSD, हाइब्रिड मोड यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। मतलब कि आप एट अ टाइम SSD भी यूज़ कर सकते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव भी यूज़ कर सकते हैं। और बाकी यार 14 इंचेस का यहाँ पर आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, फुल HD रेजोल्यूशन होगी, स्टीरियो स्पीकर्स हैं, स्पीकर्स की क्वालिटी इतनी कोई लेवल की ना मैं आपको बता नहीं सकता। ये सामने पड़ा भाई ये लैपटॉप है, ठीक है, आप देख सकते हैं। बैकलाइट कीबोर्ड है, फिंगरप्रिंट स्कैनर अवेलेबल है, इतनी मज़े की इसकी बॉडी है ना, मैं कहता हूँ कि काफ़ी रफ एंड टफ मशीन है, ठीक है। स्टूडेंट के लिए तो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है इस प्राइस टैग के अंदर। अच्छा, प्राइस टैग पहले आपको मैं बता देता हूँ, तो इस लैपटॉप का जो प्राइस है ना, वो अराउंड, पहले हम लोग बात कर लेते हैं 8GB रैम और 256GB वेरिएंट की, वो तकरीबन 50 to 53 के राउंड अबाउट है, ठीक है। और जो हार्ड डिस्क ड्राइव वाला वेरिएंट है ना, 500GB की हार्ड अगर आप लगवाएंगे, तो वो 50
49-48 इतनी प्राइस में लाइक करता है। बाकी आप चेकआउट कर सकते हैं इसकी प्राइस मार्केट जाके। तो यार ये लैपटॉप ना मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, मुझे को 1.5 साल हो गए, ठीक है। मैं कहता हूँ इस क्लास में, इस प्राइस टैग में दी बेस्ट लैपटॉप है, आंखें बंद करके हाईली रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड। आप बाय कर लो, ठीक है, कोई भी इशू हुआ मुझे आगे पकड़ना, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। क्योंकि यार मैं खुद पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ ना, वेब कैमरा भी अवेलेबल, मतलब कि इस प्राइस टैग के अकॉर्डिंग ना हर ऑप्शन ना आपको इस लैपटॉप में मिलेंगे। आपने इसके प्रोसेसर और जनरेशन पे नहीं जाना, इसकी परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत लेवल की, ठीक है। बैंग एंड ओलिफसन जो भी होता है यार इसके स्पीकर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, इतनी लेवल की क्वालिटी है ना, मैं कहता हूँ कि आपको मज़ा आ जाएगा म्यूज़िक सुनते वक्त। तो बाकी यार मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ, देखा ये लैपटॉप है, ठीक है, ये HP का। बाकी आप देख सकते हैं काफ़ी यार स्लिम स्मार्ट लैपटॉप है। अगर आप कोई स्टूडेंट है ना तो फिर तो आपके लिए काफ़ी ना सॉलिड ऑप्शन है। उसकी वजह ये है ना कि काफ़ी लाइट वेट भी है, और जो स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्योंकि मैं खुद पर्सनली स्टूडेंट हूँ, तो वो सारी रिक्वायरमेंट ये लैपटॉप ईजिली फुलफ़िल करता है। और हाँ, अगर आपको ना इस लैपटॉप पे एक डिटेल रिव्यू चाहिए ना, क्योंकि मैंने तो इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, काफ़ी हैवी टास्क ही परफॉर्म किए इस पर, तो मुझे लगता है कि मेरे से अच्छा ना इस लैपटॉप का रिव्यू आपको कोई दे सकेगा। तो ये सीन है इस लैपटॉप का, क्योंकि यार मैंने पर्सनली भी यूज़ किया, तो इसलिए मैंने आपको फर्स्ट पर रिकमेंड किया है। बाकी आप इस लैपटॉप को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो यार एट द एंड अगर मैं अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन की बात करूँ ना, तो यार मैं एंड में आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जो मैंने आपको लास्ट 2 लैपटॉप बताए ना, मतलब कि नंबर फर्स्ट पे और नंबर सेकंड पे, एक HP नोटबुक 840G3, वो तो आंखें बंद करके ले लो ना इस प्राइस में। और सेकंड वाला जो है डेल लैटीट्यूड E7250 i7 5th generation वाला, दोनों दी बेस्ट लैपटॉप है इस प्राइस टैग के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो उससे पहले बताएं वो भी मज़े के हैं, वो आपकी प्रायोरिटीज़ पर डिपेंड करता है। किसी बंदे को मतलब कि अच्छा डिस्प्ले चाहिए होता है, किसी को अच्छे स्पीकर चाहिए होते हैं, किसी को अच्छा प्रोसेसर चाहिए होता है, किसी को कीबोर्ड अच्छा चाहिए होता है, तो वो आपकी प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। तो जो आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सूट करता है, आप उसी लैपटॉप के साथ जा सकते हैं। मतलब कि जितने भी लैपटॉप बताए ना, सारे अच्छे लैपटॉप, मैं एक अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से ना नंबर फर्स्ट और नंबर सेकेंड वाला लैपटॉप दी बेस्ट इस प्राइस टैग के अकॉर्डिंग, तो आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। सो That's it for today's video. I hope कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यार अगर आप कुछ हमारे चैनल में, हमारे कंटेंट में इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो अपने फीडबैक से मुझे आगाह, इतनी हैवी उर्दू, ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं जो भी आप बताना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप कोई लैपटॉप का रिव्यू चाहते हैं, या फिर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपके सारे कमेंट रीड करता हूं, ठीक है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका इशू होता है मैं इनशाला रिजॉल्व भी कर देता हूँ। काफ़ी लोगों में इशूज़ रिजॉल्व कर रहा होता हूँ, तो आप भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एनी वेज मिलते हैं इस वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।